मेरे पास अभी सेट जे है, सेकंड सीटिंग का। अभी जे का पूरा 1 से लेकर 100 तक अभी बताएंगे। अगर आप लोग बारी बारी से इसको मिलाते जाइएगा। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला पहला के ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, पूंजीवादी सभ्यता को। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा, दूसरा के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा, तीसरा के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर चौथा, चौथा के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कथक हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर पंचमा, पंचमा के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। क्वेश्चन नंबर छठा, क्वेश्चन नंबर छठा के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर सातवा, सातवा अविन्यो क्या है? तो अविन्यो एक ईसाई मठ है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आठवा, आठवा मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से ली गई है? तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, आठ के बी राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नौ, नौ के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर दस, क्वेश्चन नंबर दस के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ग्यारह, ग्यारह के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बारह, बारह के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तेरह, तेरह के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर चौदह, चौदह के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर पंद्रह, पंद्रह के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर सोलह, सोलह के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और सत्रह के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अठारह, अठारह के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर उन्नीस, क्वेश्चन नंबर उन्नीस के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर बीस, क्वेश्चन नंबर बीस के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर इक्कीस, इक्कीस के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बाईस, बाईस के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर तेईस, तेईस के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर चौबीस, चौबीस के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर पच्चीस, पच्चीस के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, सॉरी ए नहीं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 1899 ईस्वी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर छब्बीस, छब्बीस के राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर छब्बीस का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सताइस, सताइस के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अट्ठाईस, अट्ठाईस के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उस सब भी मिला सके। अगर आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में कि आप लोगों को कितना क्वेश्चन सही हुआ है। चलिए इस पूरा भी 1 से 100 तक पूरा सही सही क्वेश्चन को टिक लगवाएंगे, आप लोग मिलाते जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, 29 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31, 31 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, 32 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, 33 के सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, 34 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, 35 के राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, 36 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, 38 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, 39 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 40, 40 के राइट आंसर हो जाएगा बहादुर कितने वर्ष का था? बहादुर 12-13 वर्ष के था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, 41 में उपकार शब्द कौन लिंग है? तो पुलिंग लिंग है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 42, लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? एक कारक, एक कर्म कारक का है, लोगों ने चोर को मारा, कर्म हो रहा है, कर्म कारक का है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 43, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो लेखिका है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है? तो परिणामान
बोधक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वह आया था किस काल का उदाहरण है, तो भूतकाल का है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 के राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीन है। क्वेश्चन नंबर 47 वियोग शब्द का उपसर्ग क्या है, तो बी है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा हसोड शब्द में पढ़ते हैं तो ओड है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 49 ग्राम शब्द का विशेषण क्या है, विशेषण है तो ग्रामीण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 के चौराहा कौन सा समास है, तो चौराहा दुर्गु समास है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 51 के राइट आंसर हो जाएगा 30 करोड़, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 52 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 53 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संघ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 रक्षक शब्द का विलोम क्या होगा, तो रक्षक शब्द का विलोम हो जाएगा भक्षक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 55 तो 55 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है कुत्ते की मौत मारना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ हो जाएगा बुरी तरह मारना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 58 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 के राइट आंसर इसमें कह रहा है कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन है, तो शुद्ध शब्द इसका मतलब सही शब्द कौन है, तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है महत्व, इस सही से लिखा हुआ है, सही है महत्व। अब क्वेश्चन नंबर 61 के राइट आंसर हो जाएगा, कह रहा है कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है, तो एस रंगराजन ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 के पपाती कहाँ लेटी हुई थी, स्ट्रेचर पर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। अब क्वेश्चन नंबर 65 तो 65 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 66 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 67 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 69 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 72 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 73 के राइट आंसर हो जाएगा आंखें चार होना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो आमने सामने होना ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 75 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बीर शब्द का विलोम क्या है, तो कायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 76 के ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 के ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 78 के राइट आंसर हो जाएगा माँ को कितनी पुत्रिया थी, तो माँ को पुत्रिया दो है पुत्रिया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पुत्र भी दो और पुत्रिया भी दो, तो टोटल कितना बच्चा हो गया, तो चार बच्चा हो गया, तो इसमें कह रहा है पुत्री खाली, सिर्फ लड़की कह रहा है, लड़की कितना है तो दो, लड़का भी दो था, तो पूरा टोटल मिला के चार हो गया, तो चार था, तो सिर्फ लड़कियां पूछ रहा है ना, तो दो में मारेंगे, तो दो राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 79 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर
आ ई उ है तो दीर्घ स्वर है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82, 82 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 82 के ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83, 83 के राइट आंसर हो जाएगा स्वार्थ का संधि विच्छेद, स्व जो अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84, 84 के राइट आंसर हो जाएगा निम्न में शुद्ध शब्द कौन है, तो स्वयंवर शुद्ध शब्द है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85, तो 85 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 86, 86 के राइट आंसर हो जाएगा तत्व सम, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87, 87 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तना है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88, अकाल शब्द कौन सा लिंग है, तो अकाल, अकाल पुलिंग है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 89, 89 को के लिए किस कारक का विभक्ति चिन्ह है, तो को के लिए तो यह है संप्रदान, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 के राइट आंसर है शिकारी ने बाघ को मारा, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, कर्म हो रहा है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91, नानकाना साहब अब कहाँ है, तो पाकिस्तान में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92, 92 में कबीर खान किससे परम भक्त थे, किसके परम भक्त थे, तो कृष्ण के, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93, 93 के कबीर खान किस छंद में सिद्ध हस्त थे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा सवाया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94, 94 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 96, 96 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, 97 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1900 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 98, उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। अगर आप लोग को कितना सही हुआ है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 98, 98 क्वेश्चन है, 98 क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन ए हो जाएगा 99 के। अब क्वेश्चन नंबर 100, हिंदी के आदि कवि कौन है, सरहपाद, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, 100 के ए है। तो चलिए आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, आप लोगों को कितना सही हुआ, आप लोगों को कितना सही हुआ ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।